मई का महीना खत्म होने वाला है और जून का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय नियमों में बदलाव होता है, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ दीपमाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जून 2024 से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर प्राइस। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर प्राइस की कीमतों को अपडेट करती हैं। मई के महीने में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की। 1 जून 2024 को घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अपडेट होंगे। बैंक हॉलीडे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलीडे लिस्ट के अनुसार जून में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें रविवार, दूसरा, चौथा शनिवार की छुट्टी भी शामिल है। जून में राजा संक्रांति और ईद उल अदा जैसी अन्य छुट्टियों की वजह से बैंक बंद रहेगा। ऐसे में बैंक जाने से पहले हॉलीडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। ट्रैफिक के नियमों में बदलाव। 1 जून से ट्रैफिक के नियमों में बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि अगले महीने से ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भारी जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा। नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति तेज स्पीड में वाहन चलाता है तो उसे 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर गाड़ी चालक बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है तो उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। आधार कार्ड अपडेट। UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की तारीख 14 जून कर दी है। आधारकर्ता आसानी से ऑनलाइन आधार कार्ड को अपडेट करा सकता है। हालांकि ऑफलाइन अपडेट यानी कि आधार केंद्र में जाकर अपडेट करवाने पर 50 रुपए प्रति अपडेट चार्ज देना होगा। गाड़ी चलाने पर माइनर को भरना होगा 25,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, भारत में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल है। अगर कोई माइनर यानी कि 18 साल से कम आयु वाला नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उस पर मोटा जुर्माना लगेगा। अगर माइनर को गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उससे 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा माइनर को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।